करना। मुझे बताओ, जो अपने बेटों बेटी के लिए राजनीति में है वो तेलंगाना का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई और बहनों, मोदी जी देश के सबसे गरीब घर में चाय बेचने वाले के बेटे के रूप में जन्म लेकर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी जी। 23 साल से मैं बरोबर देख रहा हूं, ये व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 23 साल से ये व्यक्ति गरीबों के कल्याण का काम कर रहा है और 23 साल से ये व्यक्ति सीएम भी रहा, पीएम भी रहा, उसके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीबों के विकास के लिए समर्पित किया, जिन्होंने पूरा जीवन एक क्षण का भी विराम करे बगैर भारत माता की सेवा में लगाया, एक और वो है और एक और राहुल बाबा है। हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको जरा गर्मी लगती है। भाइयों और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती, ये जमात कभी तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। और मैं आज यहां आया हूं तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछने आया हूं, आप जरा बताइए, 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल में आपने तेलंगाना के लिए कितना खर्च किया? मित्रों, 10 साल में संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए सोनिया मनमोहन सरकार ने 2,00,000 करोड़ रुपए का खर्च किया था। कितना खर्च किया था? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने अकेले तेलंगाना के लिए 2,42,000 करोड़ का खर्च किया है। एक दृष्टि से देखे तो 3 गुना खर्च होता है और इसके साथ साथ लगभग 4,00,000 करोड़ से ज्यादा रोड, एयरपोर्ट, पेट्रोल की लाइनें और कई सारी यूनिवर्सिटियां, कई सारे इंस्टीट्यूट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और तेलंगाना का विकास करने का काम। मित्रों, इनके पास पास्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है, इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, क्यों 60 करोड़ लोग बैंक अकाउंट के बगैर थे, जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 13 करोड़ महिलाएं क्यों गैस का सिलेंडर नहीं मिला था, उनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में शौचालय क्यों नहीं था, इनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में नल से जल पीने का पानी क्यों नहीं था, जवाब नहीं देते हैं। इनको पूछते हैं 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों नहीं मिलता था, जवाब नहीं है। पर मोदी जी ने 10 साल में सारे जवाब दे दिए। आज 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 3 करोड़ लोगों को घर दिया और 60 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने फ्री कर दिया। आपने देखा होगा राहुल बाबा कोरोना में भी मजाक उड़ाते थे, कोरोना में कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको मत छुओ, मगर मोदी जी ने अपील की, पूरी देश ने वैक्सीन ली और आज देश कोरोना से सुरक्षित बाहर आ गया। मित्रों, ये मोदी जी ने ये पूरे देश को सुरक्षित करने का, सिर्फ कोरोना से सुरक्षित नहीं किया, पाकिस्तान से आए दिन
जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, और मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने उरी और पुलवामा में किया, इनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी।